सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं परिभागेश्वरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांग है महाकवि कालिदास, कक्षा 9, गद्य नंबर है 19। तो छात्र आप कालिदास के बारे में तो बचपन से सुनते ही आ रहे। कालिदास कौन? उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? वे बचपन में उसका जन्म और बचपन के बारे में क्या बताया गया है विद्वान, इसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो आज हम जो गद्य पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है नरपत बालभट्ट हडवेजा, तो सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में अभ्यास करेंगे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बालभट्ट हडवेजा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनको विशेष रुचि काज लेखन में है। संस्कृति के प्रवाही और प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है वे वंदनीय। तो इसी प्रकार लेखक ने देश के जो देश नेताओं ने जो कार्य किए हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात बताई है। इस प्रकार इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास ने कालिदास के जन्म और परिचय, उसके बारे में उनकी प्रसिद्ध जो कुछ रचनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की गई है। तो छात्र अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी कहानी की तरह हमें पढ़ना है, क्योंकि किसी के जीवन के बारे में यदि हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो जिसके आधार पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। तो आज हमें कालिदास के बारे में जानना है, जिसको हम सब महाकवि के रूप में जानते हैं। तो क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण हम लोग उसे महाकवि कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं। ज्यादातर आप संस्कृत में किसी भी श्लोक पढ़े हो तो इसमें कालिदास की बात आती है, ज्यादातर हमें संस्कृत में ही उसके बारे में पता है। लेकिन आज हिंदी में हमें पढ़ना है कालिदास के जन्म एवं परिचय के बारे में। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण, आप लोग पता है बाण कवि का नाम है, कवि दंडी बाण, तो ये सब जो कवि का नाम है संस्कृत कवि। तो उन्होंने शुरू में लिखा है कालिदास के बारे में, उन्होंने कालिदास का उल्लेख किया है कि इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। बाण से पहले यानी कि भगवान श्री राम के पास धनुष बाण है, वे बाण की बात नहीं करते, बाण एक कवि का नाम है। तो इसके आधार पर पता चलता है कि हर्षचरित नाम की जो रचना है उसमें बाण कवि बाण है, उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा। तो हमें यह पता चल जाता है कि कालिदास थे वे पहले हुए, उसके बाद कवि बाण हुए। वह कौन सा विक्रम है? उसके बाद वे लिखते हैं कि एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं चल पाया, फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य को राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है। छात्र यहाँ पे कालिदास के बारे में सिर्फ इतना ही बताया है कि उसके बारे में हमें यह तो पूरी तरह से पता नहीं चलता कि कौन कवि आगे हो
इसके बाद हो गए किस राजा के समय में महाकवि कालिदास हुए, लेकिन उसके बाद आज हमें पढ़ना है उसके जन्म एवं परिचय के बारे में जो पूरी तरह से हमें माहिती प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा पहला पॉइंट है जन्म और परिचय, तो इसके बारे में हम अगध्य की शुरुआत करते हैं। अब कालिदास के जन्म एवं परिचय के बारे में बात करेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 में माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। आपको पता है किसी भी कवि के बारे में अगर हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें भी लिखा है 17वीं सदी 15वीं सदी इस प्रकार, तो कुछ सही प्रकार से हमें माहिती नहीं प्रदान होती। इसी प्रकार कुछ विद्वानों के मतानुसार ऐसा हुआ है कि ठीक ठीक पता नहीं चलता इसके जन्म के बारे में, लेकिन कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान जो उज्जैन है वह माना है जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत के में स्वयं कवि ने उज्जैनी के विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है मेघदूत, तो मेघदूत क्या है? तो छात्र यह बात मैं आपको बता देती हूँ कि मेघदूत है वे कालिदास के जो महान कृति है सात उनमें का एक है, इसके बारे में हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज था, वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। उज्जैनी का राजा था विक्रमादित्य, और आप लोग को पता है हम लोग आज भी कैलेंडर में हम देखते हैं विक्रम संवत, तो उसी प्रकार विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे अनेक राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई, क्योंकि विक्रमादित्य थे वे साहित्य प्रेमी थे। जितनी कला की नए साहित्य की उन्नति इससे सारी उन्नति कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्यिक और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा को उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। संस्कृत भाषा में क्योंकि महाकवि कालिदास थे वे भी उसी समय में थे, तो उन्होंने साहित्य की कितनी सारी रचनाएं की। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले, अब आपको यहाँ से देखना है, बुद्धू माने जाने वाले कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। यानी कि यह कहा जाता है कि कालिदास थे वे जब पूर्व जीवन में यानी कि जब छोटे थे तब सब उसको बुद्धू मानते थे, बुद्धू यानी कि मूर्ख समझते थे, तो ये सबसे कितने सारे कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका था। क्यों उसे बुद्धू मानते थे? तो इसके बाद कहा है कि कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो 9 रत्न कहलाते थे। विक्रमादित्य के दरबार में कुल 9 कवि थे, इसमें एक कालिदास और दूसरे थे वे 8 और थे, और इन 9 कवियों को 9 रत्न के समान यहाँ पे बताया गया है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। युवावस्था तक जब वे युवान हो गए तभी तक वे निरक्षर थे, यानी कि उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। तो आपको प्रश्न होगा छात्र कि अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वे कवि किस तरह बन रहे, क्योंकि कवि होते हैं वे लिखते तो है ही, तो कालिदास को क्यों महाकवि कहा जाता है? तो इसमें ही पढ़ना है, क्योंकि युवावस्था तक जो आदमी निरक्षर होता है और बाद में वे महाकवि बन जाता है तो यही तो है रहस्य की बात। तो इसके आधार पर
जाता है, क्यों उसे मूर्ख बोला जाता है, तो कालिदास जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटते थे। हम लोग कभी ऐसा करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जिस डाल पर बैठे उसी को हम काटे तो क्या होगा, हम गिर ही जाएंगे ना, तो हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कालिदास ने ऐसा किया, तो ऐसे वे मूर्ख थे कि जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को वे काट देते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र एवं रोचक कहानी है। कोई आदमी इतना मूर्ख होता है और बाद में वे महाकवि बन जाता है, तो इस दोनों बातों के बीच में जो कहानी है वे बड़ी ही रोचक कहानी है। उन दिनों अब यहाँ पे नया पॉइंट आता है, विद्योत्तमा का परिचय। अब हमें यह बात का पता चल गया कि कालिदास थे वे मूर्ख थे, जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे, लेकिन बाद में वे महाकवि किस तरह से बने। तो यहाँ पे एक स्त्री का पात्र आता है, विद्योत्तमा। अब आपको यह याद रखना है, उस दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे, उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जो पुत्री का नाम क्या है, विद्योत्तमा, जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। शारदानंद, विद्योत्तमा के पिता का नाम था शारदानंद। शारदानंद की एक बेटी जिसका नाम क्या है, विद्योत्तमा, वे बहुत ही गुणवान एवं अत्यंत रूपवती कन्या थी, और उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। उस रूप भी था, गुण भी थे, लेकिन उसमें कितना सारा ज्ञान भी थे, इसीलिए ज्ञान की बातें दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप गुण एवं ज्ञान के बारे में बड़ा ही घमंड था, उसको अभिमान था कि मेरे जैसी रूपवती कोई नहीं है, मेरे में इतने गुण है और मुझ में इतना सारा ज्ञान है, उसके बारे में विद्योत्तमा को घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ अपना विवाह करेगी। यह बात याद रखनी है, विद्योत्तमा एक घमंडी स्त्री, बहुत ही रूपवती, बहुत ही गुणवती और ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ, और उसको, विद्योत्तमा को इस बात का घमंड था, इसलिए उन्होंने अपने विवाह के संबंध में एक शर्त रखी थी कि जो आदमी, जो पुरुष है वे मुझे शास्त्रार्थ में मुझे हराएगा उसी के साथ में शादी करूंगी। उसको इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास के पड़ोस देशों तक पहुंच गई। अब उसी प्रकार, जिस प्रकार विद्योत्तमा ने घोषणा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ में शादी करूंगी, यह बात आकाश वाले किसी भी देश में पहुंच जाती है। अब जिस प्रकार विद्योत्तमा ने घोषणा की कि जो आदमी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसके साथ में शादी करूंगी, इस ऐसी बात पूरे आसपास के जो देश थे वहां पे फैल चुकी थी, और वहां वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जिसको भी पता चलता है वे लोग शास्त्रार्थ के लिए आ जाते हैं, उनमें से प्रश्नोत्तरी होती है, जो वहां से जीत कर वापस जाता है वो जीत जाए उसके साथ विद्योत्तमा की शादी होगी। इसीलिए सभी लोगों को पता चलता है, जो कोई विद्वान एवं पंडित होते हैं वे विद्योत्तमा के पास आ जाते हैं, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने के लिए सोचने लगे थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि विद्योत्तमा है वे बहुत ही ज्ञानी थी, उसको शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकते थे, इसीलिए पंडित एवं बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन किसी की उसके आगे नहीं चली। इसीलिए सभी पंडित एवं विद्वानों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसके कारण विद्योत्तमा हार जाए। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। कैसी योजना की, विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ में एक मूर्ख को बिठाया जाए और मूर्ख के साथ विद्योत्तमा
वहां की शादी की जाए, जिसके कारण विद्युत वहां का जो घमंड है वे टूट जाएगा। ऐसी योजना पंडित एवं जो विद्वान लोग थे उन्होंने सोच रखी थी। अब ऐसा होता है कि अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख मूर्ख की तलाश में रहने लगे। किसी मूर्ख को तो ढूंढना ही है, क्योंकि जब मूर्ख आएगा विद्युतमा से शास्त्रार्थ होगा, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। लेकिन ऐसा मूर्ख मिलेगा कहाँ? और संयोग से उन्हें एक दिन ऐसे ही मूर्ख युवक मिल गया। पंडितों को क्या देखना था? एक मूर्ख आदमी ढूंढना था, और एक दिन वे मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा कोई मूर्ख कौन होगा। कोई आदमी ऐसा करता है, जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है, तो ऐसा आदमी विद्वानों ने देखा और विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता, हमें मिल ही नहीं सकता, ये ही सबसे बड़ा मूर्ख है। और इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। उस मूर्ख को पेड़ से नीचे उतारा और बाद में उसे बोला कि तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से की जाएगी, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऐसी लालच उस मूर्ख को पंडितों ने दे दी और मूर्ख भी आने के लिए तैयार हो गया। अब आगे होता है ऐसा कि पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह से समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पहले क्या बताया कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, वहां पे आकर तुम्हें एक राजकुमारी के साथ ब्याह हो जाएगा। लेकिन बाद में यह बात बोली कि तुम्हें वहां आना है लेकिन कुछ भी बोलना नहीं, गूंगा बनकर बैठे रहना है। अगर तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारा ब्याह उस राजकुमारी से नहीं होगा, इसलिए वे मूर्ख आदमी है, वे कुछ तो बोलने वाला नहीं है। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। वो आदमी मान गया, मूर्ख आदमी, वो बोला कि हाँ मुझे राजकुमारी के साथ ब्याह करना है। ऐसी बात सुनकर पंडितों ने उसे नए कपड़े दिलवाए, नए कपड़े पहनकर वे पंडितों के साथ कहाँ पे गया, विद्युतमा के पास जाता है, क्या करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए जाने के लिए राजी हो जाता है। तो छात्रों, इस वीडियो अब हम यहाँ तक रखते हैं। आगे उस मूर्ख विद्युतमा के पास जाता है तो क्या होता है, शास्त्रार्थ में वे उसको जीत जाता है या उसको भी विद्वानों की तरह वापस आना पड़ता है, इसके बारे में हमें अगले वीडियो में देखना है। तो बाद में लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हमने क्या देखा, महाकवि कालिदास के बारे में बात की गई है, इसके लेखक है नरपत बारट हडवेजा। लेखक परिचय के बाद हमने देखा कालिदास के जन्म एवं परिचय के बारे में। कालिदास ऐसे मूर्ख थे जो युवावस्था तक वे निरक्षर थे, वे जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। उसके बाद यह बताया कि विद्योत्तमा का परिचय। विद्योत्तमा है एक शारदानंद की बेटी है, वे बहुत ही रूपवती, गुणवती एवं बहुत ही ज्ञानी है, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि जिस आदमी का मेरे साथ विवाह होगा वो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, उसके साथ ही मैं शादी करूंगी। इसीलिए कई विद्वान उसके पास आते हैं लेकिन वे उससे जीतते नहीं है, और विद्योत्तमा को भी अपने ज्ञान का बहुत ही घमंड था, और उसका घमंड उतारने के लिए सभी पंडित विद्वान है वे एक योजना बनाते हैं, और उन्हों वे लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा मूर्ख हो उसके साथ इस विद्योत्तमा की शादी करवा दी जाए, और वे एक मूर्ख की तलाश में जाते हैं और वहाँ उसे एक मूर्ख मिल जाता है, और मूर्ख को कहते हैं कि तुम्हारी शादी है एक राजकुमारी से करवानी है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वे मूर्ख है, वे भी मान जाता है और नए कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, बीच में उसे कहा था कि वहां जाना है लेकिन कुछ बोलना नहीं है, गूंगा बनकर बैठे रहना है, तो ही वे राजकुमारी उससे ब्याह करेगी। अब वे मूर्ख विद्योत्तमा के पास जाता है तो किस प्रकार से शास्त्रार्थ होता है इसके बारे में हमें अगले वीडियो में अभ्यास करना है।